बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मसाला खिचड़ी। इतनी सॉफ्ट और नरम खिचड़ी बनती है कि मुंह में रखते ही घुल जाए। खिचड़ी में दाल, चावल और सब्जियों को डालकर बनाने से एक कंप्लीट खाना बनता है। ना ही सब्जी की ज़रूरत और ना ही रोटी बनाने की। बहुत हेल्दी और जल्दी बनके तैयार होती है। तो चलिए चटपटी खिचड़ी को मैं किस तरह से बनाती हूँ देख लेते हैं। मसाला खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल और दाल को भिगो कर रखेंगे। तो यहाँ पर एक कप में थोड़े से कम है ये चावल, तो ये एप्पल कंपनी के बॉयल राइस है। आप कोई से भी चावल ले सकते हो। एक कप हमने चावल लिया है तो आधा कप हम दाल लेंगे। तो मैं मूंग की दाल और तुअर की दाल ले रही हूँ। तो ये तुअर की दाल है और ये मूँग की दाल है। तो छिलके वाली मैंने मूँग की दाल ली हूँ। आप चाहें तो आपके पास मूँग की दाल छिलके वाली ना हो तो ये जो बिना छिलके की दाल आती है ना, तो ये भी ले सकते हो, या फिर एक ही कोई भी दाल ले सकते हो। दो तरह की दाल लेने से खिचड़ी थोड़ी हेल्दी हो जाती है। तो देखिए, आधा कप ये दोनों मिलाकर दाल है और एक कप चावल है। चावल और दाल को अच्छी तरह से धो लेना है और 10 मिनट के लिए भिगो कर साइड में रख देना है ताकि चावल और दाल अच्छे से भीग जाए। फिर उसके बाद हम खिचड़ी बनाते हैं। चावल और दाल को अच्छे से धोकर मैंने पानी डालकर रख दी हूँ। अभी इसे साइड में 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से भीग जाए। वहाँ तक हम खिचड़ी का मसाला तैयार कर लेते हैं। कुकर में ही खिचड़ी बनाएंगे हम, जो बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो 2 चम्मच डालेंगे हम घी इसमें। आप चाहे तो तेल में भी इसे बना सकते हो। घी को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। घी पिघल गया है, अब इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर 2 तेज़पत्ता है, 3 से 4 है लौंग, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 से 3 है सूखी वाली लाल मिर्च और 1 चम्मच भर के है ज़ीरा। इसे डालकर थोड़ा सा तड़कने देते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 से 10 कड़ी पत्ता लिया, ये भी डाल देते। यहाँ पर हमने 1 छोटे साइज़ की प्याज लिए बारीक काट कर, और 1 हरी मिर्च को भी इस तरह से काट लिया, ये भी डाल देते। प्याज को हम चलाते हुए थोड़ा सा हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। प्याज हल्की सी गोल्डन कलर की हो गई है। अब इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने। तो 2 चम्मच मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। मसाला खिचड़ी में मूंगफली के दाने का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही में हम फ्रेश मेथी की भाजी डालेंगे। तो यहाँ पर 1 कटोरी भर के मैंने मेथी की भाजी ली हूँ। इसे धोकर साफ करके अच्छी तरह से ले ली थी मैंने। अभी ठंडी के मौसम में मेथी की भाजी बहुत अच्छी फ्रेश मिलती है, तो मैं यहाँ पर फ्रेश मेथी की भाजी डाल रही हूँ। अगर आप सीज़न के बिना बना रहे हो तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हो इसमें। मेथी की भाजी की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इस तरह से हम बघार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मेथी की भाजी को भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे हम ताकि प्याज वगैरह जले नहीं। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी भून लेते हैं सभी चीज़ों के साथ ताकि अदरक लहसुन में जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, अदरक लहसुन को भी भून लिया है मैंने। गैस की फ्लेम धीमी रखी है ताकि सभी चीज़ें जले नहीं। अब इसमें सब्जियाँ डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के फ्रेश मटर ली हूँ। 1 गाजर को इस तरह से काट कर ली हूँ। बारीक कटा हुआ हरा धनिया है। 1 बैंगन था मेरे पास तो उसे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। और 1 छोटे साइज़ का आलू है तो इसे भी मैंने छिलका निकाल कर इस तरह से काट ली हूँ। इसके अलावा आपके पास कोई भी सब्ज़ी हो तो आप डाल सकते हो इसमें। और अगर कोई सब्ज़ी नहीं है जैसे कि मटर वगैरह, गाजर, तो भी कोई बात नहीं है। आप इसे टमाटर, प्याज, आलू और बैंगन से भी बना सकते हो। ये मसाला खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। साथ ही में टमाटर भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ली हूँ, इसे भी छोटे टुकड़े में काट कर ली हूँ। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम अब मैं मीडियम कर दूँगी। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे हम। तो सबसे पहले डालूँगी मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो मिर्ची को। 1/2 चम्मच है हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच ही है धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर ले ली हूँ। मिक्स करेंगे इसे। ये देखिए, सभी सब्जियों के साथ ये खिचड़ी बनती है तो बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको घर में कोई दिन खाना पकाने का दिल नहीं कर रहा हो या अर्जेंटली कहीं बाहर जाना हो तो आप ये खिचड़ी को बना सकते हो, क्योंकि इसमें सालन वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट हो गया सब्जियों को मसाले के साथ भूनते हुए, अब इसमें चावल डाल देते हैं हम। 10 मिनट हो गए हैं, चावल भी हमारे यहाँ पर भीग चुके हैं। मैंने इसमें से पानी निकाल दी हूँ।
अभी सभी चावल और दाल को इसमें डाल देते हैं हम। अब 2 मिनट के लिए चावल और मसालों को साथ में भून लेंगे हम। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर दी हूँ। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, मसालों के साथ चावल और दाल को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पर पानी ठंडा नहीं डालना है, पानी को गर्म करके डालना है ताकि चावल दाल अच्छी तरह से फूल जाए। तो ये जो खिचड़ी है वो थोड़ी सी नरम और सॉफ्ट होती है, इसीलिए इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा जाता है। तो हमने 1 कप चावल और 1/2 कप दाल ली थी, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर 4 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो 4 गिलास पानी मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तो इस गिलास के नाप से मैंने 4 गिलास पानी डाली हूँ गर्म करके। अगर पानी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये खिचड़ी थोड़ी नरम ही होती है तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। जिस तरह से खिचड़ा बनाते हैं ना हम, तो नरम नरम होता है, तो उसी तरह से होती है। तो देखिए यहाँ पर नमक लिया है आप टेस्ट के मुताबिक, और इस खिचड़ी को चटपटा सा टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देंगे हम। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे एक बार। इतनी खिचड़ी 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं। तो सिर्फ 1.5 कप ही हमने दाल और चावल मिला के लिए थे, लेकिन पानी और सब्जियां डाली है ना, उसकी वजह से ये खिचड़ी बहुत अच्छी फूल जाती है। तो ये मैंने मिक्स कर दिया है। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे हम, और मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 सीटियां लगा लेनी है। पहले 1 सीटी हम मीडियम फ्लेम पर लेंगे, फिर बाकी की थोड़ी सी गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे। यहाँ पर कुकर की 6 सीटियां हो गई थी, मैंने गैस बंद कर दिया था, और देखिए सारा प्रेशर निकल चुका है। हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए खिचड़ी को चेक करा देती हूँ मैं, कि देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है, और जो भी सब्जियाँ डाली थी हमने वो पूरी तरह से गल चुकी है। तो इसी तरह से ये सॉफ्ट खिचड़ी बनकर तैयार होती है। और इसमें हमने जो भी सब्जियाँ डाली थी ना, तो आपको ना ही कोई सालन ना ही कोई सब्जी इसके साथ खाने की ज़रूरत है। बस ये खिचड़ी को आप छाछ के साथ या पापड़ के साथ ऐसे ही खाओगे ना, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। और जो हमने इसमें मेथी का बघार किया था ना तड़का करके, तो उससे बहुत ही अच्छी खाने में लगती है, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। और इस पर थोड़ा सा अभी मैं तड़का करूँगी, तड़का ऑप्शनल है, लेकिन अगर डालेंगे तो ऊपर से दिखने में भी और ज़्यादा अच्छी लगेगी खिचड़ी। तड़के के लिए गैस पे एक तड़का पैन रखा है, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तड़का करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ऐसे ही ये खिचड़ी को खाओगे ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी, लेकिन ऊपर से भी दिखने में अच्छी लगे, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा तड़का करूँगी। तेल गर्म हो गया, 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे। इस तरह से ज़ीरा थोड़ा तड़क जाता है ना, तो ऊपर से खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब फौरन गैस बंद कर देना है, और ऊपर से लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। तो ये तेल गर्म है इसीलिए गैस बंद करने के बाद लाल मिर्च पाउडर डालना है। तो आप इसे दोपहर में या रात के खाने में बनाकर खा सकते हो। और ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो देखिए गर्मा गर्म ये खिचड़ी कितनी मज़े की बनती है, मसाला खिचड़ी। तो चलिए गर्मा गर्म हम डिश आउट कर लेते हैं। इस मसाला खिचड़ी के साथ आज मैंने छाछ और उड़द का पापड़ रखी हूँ, तो आप चाहे तो ऐसे भी खाएं या फिर छाछ के साथ खाएं तो भी ज़्यादा अच्छी लगती है। आपके घर में कोई बूढ़े बुज़ुर्ग हो तो उन्हें भी ये खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम है, तो उन्हें भी आराम से खाने में अच्छा लगेगा। इसे चबाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोई सब्ज़ी वगैरह आपके घर में जो भी पड़ी हो आप इस मसाला खिचड़ी में डालकर बना सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो सब्ज़ी डाली है या जो भी दाल डाली है वही आपको डालना है, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो तो आप उसे डालकर बना सकते हो। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।